हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए है, ठीक है। ये है क्लास 10 साइंस का एक वायरल पेपर। 29 फरवरी को आप लोगों का साइंस का पेपर है, ऐसे ही आप लोगों का साइंस का पेपर आएगा, ठीक है। ये पूरे हम लोग पेपर का सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर साइंस को पढ़ाइए, क्योंकि साइंस में हमारे पेपर में गैप नहीं है, तो उसमें छुट्टी भी नहीं मिली है, तो आप साइंस को पढ़ाइए प्लीज। तो आज का ये वायरल पेपर है, ये है क्लास 10 साइंस का एक वायरल पेपर, ठीक है। फरवरी को जो आपका 29 तारीख को पेपर है, ऐसे ही आएगा साइंस का पेपर। हम लोग पूरा जो है पेपर का सॉल्यूशन समझेंगे, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। आप लोग देख सकते हो मैंने पूरे पेपर का सॉल्यूशन किया है, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस का सारे का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और आपके इसमें कुल 11 प्रश्न है, 11 प्रश्न आपको 70 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो आप ये सारा क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। और अगर आप लोग ये पेपर देने से पहले देख लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जो साइंस में 95% स्कोर करके आओगे। तो अगर आप नहीं देख पाते हो तो पेपर के दिन अगर आप आधी रात को भी ये वीडियो पाते हो तो आप जरूर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न है ना वो सारे वायरल क्वेश्चन है। जब आप पेपर देने जाओगे तो कहोगे सर यहीं से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। क्या आएगा अभी इस वीडियो में पता चल जाएगा, कैसे तैयार करना है सब कुछ मैं तैयार करा दूंगा, कैसे लिखना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो ये है हमारा साइंस का कक्षा 10 का 70 नंबर का पेपर रहेगा आपका ये, ठीक है। अब आपके पास जो समय रहेगा वो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, यानी कि 3 घंटे आपको इस पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। फर्स्ट नंबर आपका है निर्देशांक, यानी कि पहला, ठीक है, कि प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। दूसरा है जो प्रश्न पत्र दो खंड आ और बा में विभाजित है। तीसरा है खंड आ के 3 उपखंड हैं, यानी कि का खा गा में विभाजित है, ठीक है। और प्रश्न के खंड आ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है, चाहे आप नीले काले वाल पॉइंट पेन का यूज कर सकते हो। एंड खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक नंबर का है। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न है, जिसको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। एंड सातवां है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक लिखे हुए हैं, और खंड वा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। एंड प्रत्येक उपखंड आप नए प्रश्न से प्रारंभ करें, ठीक है, और सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम लोग खंड आ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उपखंड का यानी कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो उपखंड का होगा, ठीक है। और ये आप लोगों को अच्छे से करना है, ठीक है। ये हमारे पहले कौन से होंगे, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। आप लोग पूरा क्वेश्चन समझ कर जाना अगर पेपर में, आपको पूरा, ठीक है, समझ कर जाना पेपर में। अगर टॉप पर बनना है, धुआं धुआं उड़ाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, तो ठीक है। पहला प्रश्न, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिनका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो तो वो क्या कहलाता है। एक अंक का है, तो अगर दोनों पृष्ठ गोलीय हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा, देखो समतल दर्पण तो होगा नहीं क्योंकि वो गोलीय नहीं होता, त्रिज्या भी नहीं होगा, गोलीय दर्पण और हमारा गोलीय लेंस, ठीक है। तो वो जो होगा वो होगा गोलीय लेंस, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन नंबर 2, दंत विशेषज्ञ मरीजों के लिए दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का। देखो जो मतलब दांतों को बड़ा, यानी कि जो बड़ा प्रतिबिंब बनाए, तो हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, समतल तो बनाएगा नहीं, उत्तल छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जो अवतल दर्पण होता है ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, तो समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2F और अनंत के बीच एक वस्तु रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो इसको आप लोगों को मैं यही समझा देता हूं। देखो सबसे पहले एक हम लेंगे उत्तल लेंस, इस टाइप से होता है उत्तल लेंस, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को बेटर से बेटर समझ में आए। अब देखो एक आप ले लो मुख्य अक्ष ये, ठीक है। अब देखो फिगर को कैसे बनाना है, हमें कहां रखना है, यानी कि ये हमारा F है 1 और ये हमारा 2F1, यहां हमें अनंत मान लो कहीं भी है तो यहां हमें रखना है, यहां हमारा क्या है, ये F2 है और यहां हमारा 2F2 है, ठीक है, तो ऐसे जाएगा और यहां से हमारा ऐसे फोकस पर मिल जाएगा, फिर एक रेखा आपका यहां से जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, देखो सबसे पहले ये हमारा बड़ा है, ये हमारा छोटा है, दिखाई दे रहा है सारे को, तो सबसे पहले ये हमारा जो है वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक है, उल्टा भी है, ठीक है, उल्टा है, अगर ये AB है,
तो ये VA है, ठीक है। तो उल्टा VA तथा छोटा है, दिखाई दे रहा ना, छोटा है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, यानी कि वास्तविक V है, उल्टा V है और छोटा V है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता है तो वो कहलाता है, ये सब तो दोष है, ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष नहीं कहलाएगा। और भी हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा वी है माय डियर स्टूडेंट, समंजन क्षमता या निकट दृष्टि दोष या दीर्घ यानी कि दूर दृष्टि दोष। तो भैया जो फोकसित यानी कि फोकस दूरी को फोकसित कर लेता है वो हमारा समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, 5 नंबर, कॉलम ए में दी हुई राशियों का आपको सुमेलन कॉलम बी से एसआई मात्रकों के द्वारा करना है, ऑप्शन ए का आपको मिलाना है ऑप्शन बी से। अब अगर आप सही मिलाओगे तो आपको नंबर मिलेगा और आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं कौन सा सही है। देखो, विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति एंड प्रतिरोध, अब इनके मात्रक कौन से हैं, एम्पियर, वाट, ओम एंड हमारा वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर, तो वी से विभवांतर और वी से वोल्ट, ये हो गया, ठीक है, तो पहला का 4। विद्युत धारा हमारा एम्पियर होता है, ये हो गया। विद्युत शक्ति हमारा वाट होता है एंड हमारा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम, ठीक है। तो अब बताओ, पहला का हमारा चौथे से, पहले का चौथे से, दूसरा का हमारा पहले से, दूसरा का पहले से, तीसरा का हमारा दूसरे से, तीसरा का दूसरे से एंड चौथा का हमारा तीसरे से, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दो चालक तार जिनके जो लंबाइयां तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में किए जाए, तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में ऊष्माओं का जो अनुपात होगा यानी कि H1 है और अपान H2 यानी कि ऊष्माओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:4, क्या होगा, 1:4, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ध्यान से समझना। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, 1 नंबर का, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है ए वाला, 0 होता है या इसके सिरों, इनके सिरों की ओर जाने पर घटता है या इनके सिरों के जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होती है, तो सभी बिंदुओं पर यह समान होती है, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है, C6H6, तो यहां अब आप लोग बताओ कि इसमें आप देखो कहां C6 है, H6 है, ठीक है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कैसे बनता है। तो देखो, जो हमारा C है, ठीक है, देखो इसमें हमारा, देखो ये कैसे बनता है इसका फिगर, जैसे हमारा C है 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, 4, 5, फिर ऐसे आप नीचे 1, C6, ठीक है। अब आप सभी सभी पर क्या करोगे, एक एक हाइड्रोजन लगाओगे, H, ठीक है, H सारे पे एक एक हाइड्रोजन, तभी तो 6 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन होगा। अब एकांतर क्रम में आप सारे में क्या कर दो, यानी कि एक एक को छोड़कर डबल बांड कर दो, जैसे एक को मैंने छोड़ दिया तो यहां डबल बांड, एक को छोड़ो फिर यहां डबल बांड, फिर एक को आपको छोड़ना है फिर यहां डबल बांड, तो ये हमारा हो जाता है। देखो ऐसा कोई है फिगर, सी वाला है ना, सेम ऐसे ही, तो ये सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है और क्या, ठीक है। तो समझ में आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान भी है, कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, समजातीय का मतलब होता है या तो उनका क्रियात्मक समूह समान हो या फिर उनका जो है मतलब सूत्र यानी कि जो उसका समूह है वो समान हो या फिर उनका सूत्र जो होता है सामान्य सूत्र वो समान हो। तो सबसे पहले पहला जो है ये हमारा एल्केन का है, एल्केन यानी कि ये हमारा क्या है, एल्केन और यानी कि मेथेन और ये एथेन, तो ये तो है भैया समझाती है समझ, क्योंकि एक ही का है, ये नहीं है क्योंकि ये OH है और यहाँ हमारा COH है, ये भी नहीं है, यहाँ OH ग्रुप है, दोनों सेम है इसलिए है, तो पहला और चौथा वाला ऑप्शन सही है यानी कि वी वाला ऑप्शन। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ज़रा आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ, पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तथ्यों या फिर यौगिकों को कहते हैं, तो भैया जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है वो अयस्क होता है या गैंग होता है, खनिज या धातु, तो वो हमारा खनिज होता है, क्या होता है, खनिज। अगला क्वेश्चन 11, दांतों का 6 कम प्रारंभ होता है,
देखो जब दांतों का क्षय कम कब होगा ना, कम कब होगा, जब वो जो है अम्लीयता होगा उसमें। तो अम्लीयता का मतलब है कि उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम हो, ठीक है, तभी तो अम्लीय होगा। तो ये हमारा हो जाएगा वी वाला ऑप्शन सही। अब अगला देखो 12 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन फर्स्ट है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है, और यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। जब हमारा जिंक जो है मतलब ZN जो है वो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो हमारा ZnSO4 बन जाएगा और प्लस H2 बन जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा है तर्क यानी कि कारण, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो जिंक जो है भैया ZN जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ZnO बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ये तो सही है। तो दोनों जो अभिकथन है फर्स्ट तथा तर्क सही है, तथा तर्क जो है अभिकथन वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, ये गलत है। अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क दोनों सही है परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अभिकथन फर्स्ट सही है एंड परंतु तर्क दूसरा गलत है, ये भी नहीं सही है, ठीक है। एंड हमारा डी वाला ऑप्शन है अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क दोनों गलत है, तो ये हमारा ये वाला सही है, कौन सा, वी वाला, मतलब सही तो दोनों है बट ये जो तर्क दे रहा है वो गलत है, ठीक है। अगला देखो हमारा वी वाला ऑप्शन सही है, 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा वी वाला ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि यह ऑलरेडी पूरा है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो यहां हम लिखकर पूरा कर देते। ये दोनों देखो जितना इधर है इतना इधर भी, ये बैलेंस है तो इसलिए हम CH3OOH रखेंगे, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में गायब रहेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें हुआ है। तो हमारा हो गया 13 नंबर क्वेश्चन तक ना। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा उपखंड गा है बायोलॉजी से। देखो अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, नासा द्वार से कंठ, ग्रसनी श्वसन नलिका या फिर फेफड़े। देखो इसमें जो हमारा है वो कौन सा सही है, बिल्कुल आपको सही बताना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो डी वाला ऑप्शन आप लोग देखो, जब नासा द्वार पहले रहता है जो हमारा नोज होता है, फिर वहां से ग्रसनी में जाता है, फिर कंठ में, फिर श्वास नली में, फिर कूपिकाओं में जाता है, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करो। पहला, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम बच्चों के लिंग का निर्धारण करता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि जो मानव पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, हाँ ये सही है। अगर एक्स गुणसूत्र मतलब महिलाओं में ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, लड़की होगी, अगर वाई होगा तो लड़का होगा, तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सत्य है और जो कथन है वो सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला, विद्युत आवेग की प्रवाह सही दिशा कौन सी है, विद्युत आवेग। देखो इसमें क्या है ना कि इसमें आप ए बी सी, ए है, बी है, सी है, डी है ऑप्शंस, बट इसमें देखो ये वाला हमारा यहां फिर इसके नीचे से जुड़ गया, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो, थायरॉक्साइड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, थायरॉक्सिन के बारे में। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक है, तो लौह आवश्यक मतलब नहीं बताना है ना, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो और ऑप्शन वी है कि यह शरीर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपचयन का नियमन करता है, थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा सही, क्वेश्चन नंबर 17 में, तो ए वाला हमारा सही नहीं है क्योंकि हमें नहीं वाला बताना था, तो यही है, ठीक है। तो अब हमारा हो गया कितना, 17 नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में है, तो ए जो है और बी और सी ये किस क्रम में है। देखो ए वाला जो है ये ऊपर का होता है, प्रा, प्रा का मतलब क्या होता है, ऊपर, ठीक है, प्रांकुर, क्योंकि ये ऊपर है, ये तो सभी को पता है ये क्या है, एक पात्र है जो कि जिसे हम लोग कह सकते हैं बीज है, तो बीज पात्र, ठीक है। नीचे वाला क्या है भैया, वो परांकुर है, तो नीचे वाला मूल होता है, मूलांकुर होगा, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, परांकुर फर्स्ट है, फिर बीज पात्र, फिर मूलांकुर, सी वाला सही है।
19 नंबर, जनक की आलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि एक अंक का है, क्योंकि जो आलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है, और अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, इसमें युग्मक की कोई जरूरत नहीं है, तो ठीक है, अलग अलग होते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है लैंगिक जनन से पहले होता है, या अलैंगिक जनन जो है लैंगिक जनन के बाद होता है। तो हमारा इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये सही है, ठीक है। 20 यानी कि लास्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक आहार नाल श्रृंखला में तीसरे स्तर पोषी को क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं, मांसाहारी, ठीक है। तो ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसको मैंने अच्छे से समझा दिया, और आई होप कि आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। आप 20 में 20 बोर्ड एग्जाम में करके आना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, 20 एमसीक्यू है तो 20 आप करके आना, एक भी नंबर हमें छोड़कर नहीं आना है बोर्ड एग्जाम में। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। तो स्टूडेंट अब हम लोग आते हैं खंड बा में, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है, जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, और ये जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइंस के पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन समझा रहा हूं खंड का है। और देखो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जो हमारा दृष्टि दोष होता है वो किसे कहते हैं, और ये कितने प्रकार का होता है, जो दृष्टि दोष होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये हमें देखकर जाएंगे 4 नंबर यानी कि 4 मार्क्स, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं पहला, और फिर सॉरी 2 नंबर देगा, फिर हमें दूसरा जब सॉल्व करोगे तब 2 नंबर, यानी कि 2 क्वेश्चन के आपके 4 नंबर मिलेंगे, ऐसे ही हमें इसमें 2 नंबर के 2 क्वेश्चन 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग पहला वाला देखते हैं, सबसे पहले हमारा उपखंड का है, वर्णात्मक प्रश्न है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालना खंड बा, वर्णात्मक प्रश्न, खंड उपखंड का है, और हमारा पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर संख्या फर्स्ट डाल देना, और पहले में आपसे क्या पूछ रहा है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो पहला हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, तो जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है, अगर आगे बनेगा या पीछे बनेगा तो कोई ना कोई दोष है, अगर एग्जैक्ट रेटिना पर बने तो कोई दोष नहीं है, तब वस्तु जो है अस्पष्ट नहीं आती, और यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की समंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनने के लिए कम हो जाती है और यह पूर्णतया समाप्त हो जाती है, इसे दृष्टि दोष कहते हैं, और यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, हो सकता है कहीं कहीं 2 ही प्रकार का दिया हो, लेकिन तीनों लिख देना, पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको मिल जाएंगे तुरंत ही 2 नंबर, और यह हमें 2 नंबर देकर जाएगा। फिर आपको दूसरा है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देते हैं, इसका मिल जाएगा आपको 2 नंबर। तो चलो हम लोग देखते हैं दूसरा का आंसर, देखो वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद वर्षा की बूंदें प्रिज्म के रूप में काम करती हैं, जिस प्रकार प्रिज्म में से प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में टूट जाता है, उसी प्रकार जब बारिश पड़ती है तो सूर्य की किरणें 7 रंगों में टूट जाती हैं, इसलिए जो बारिश के बाद हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, देखा होगा जब बारिश होती है तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। तो ये हमें मिल गए 2 क्वेश्चन का आंसर, और दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर दूसरा है, दूसरे का पहला, एक उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अभिसारी का मतलब है एक ही बिंदु पर सारे किरणों को खींचना, जैसे हमारा ये एक बिंदु है तो यहीं सारे किरण को खींच लो, ठीक है, तो वो हमारा अभिसारी होता है, और अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के दोनों के उपयोग बताने हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं इन दोनों को, और हमें मिलेगा इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 4 नंबर, और ऐसे ही आप जाना बोर्ड एग्जाम में, जब आपका 29 फरवरी को पेपर है तो आप छाप कर आना, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो ये हमारा स्टूडेंट प्रश्नोत्तर संख्या 2 यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड हमारा पहला, कि उत्तल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसरित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। जैसे देखो ये प्रकाश की किरणें आती हैं, लेंस से टकराती हैं और एक ही बिंदु F पर सारी एक पर अभिसरित हो जाती हैं, अभिसारी यानी कि वहीं बटुर जाती हैं एक जगह, ठीक है, एक जगह मिल जाती हैं, तो वो हमारा हो जाता है अभिसारी लेंस, इसलिए हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे दूसरा का आंसर, कि जो हमारा अवतल दर्पण का उपयोग फिर उत्तल दर्पण का, तो पहले हम लोग अवतल का समझते हैं। पहला है जो अवतल दर्पण का उपयोग, ध्यान देना कि नाई जो है हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है, जो नाई होता है जो बाल काटने वाला या फिर और भी जो मतलब करते हो ना बियर्ड वगैरह, तो वो जो होता है वो हजामत यानी कि उसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है ताकि जो फेस है वो बड़ा दिखाई दे। आंख कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आंख
कान नाक के डॉक्टर द्वारा जो उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण का मैं दो उपयोग बताता हूं। पहला, इसका उपयोग चालक की सीटों के पीछे देखने के लिए, जो गाड़ी चलाते हो ना उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है, एंड इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी किया जाता है। तो ये हमारे दो उपयोग हुए, दो तीन उपयोग आपको मिल जाएगा फुल में, फुल नंबर दो ही नंबर का है तो कितना आप लिखोगे। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा दो नंबर। अगला क्वेश्चन तीसरा, फर्स्ट है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, और इसी में ये हमें दो नंबर देखा जाएगा, दूसरा जो है वो भी दो नंबर मिलेगा। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरी जो है 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित कीजिए। तो दो दो नंबर के हमारे दो क्वेश्चन है, हमें मिलेगा 4 नंबर। तो चलो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या ये है हमारा 3, और 3 का फर्स्ट फिर सेकंड। तो पहला हम लोग देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है वो लिख लो। आप जो है ओम वो है 4 ओम, ठीक है, टी यानी कि समय जो है वो कितना है, समय प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड, एंड एच जो है हीट जो है वो 100 जूल, तो 100 जूल इतना दे रखा है। अगर आर टी एंड एच दिया हुआ है तो इसके बीच एक संबंध है, एक फार्मूला है कि डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी, तो जो डब्ल्यू है या फिर हीट जिसे कह सकते हो, ठीक है, इसे W भी लिख सकते हो, H भी लिख सकते हो, ध्यान देना जो H है वो भी लिखा जा सकता है, ठीक है, H से ही W भी लिख सकते हो। तो ये हमें 100 दे रखा है बराबर V स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, R जो है वो 4 दे रखा है इनटू 1 सेकंड है, V स्क्वायर बराबर 4 का 100 से मल्टीप्लाई होगा 400, V बराबर हमारा 400 का अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर इधर से आएगा रूट हो जाएगा, और 400 का जो रूट होता है वो हमारा 20 होता है, तो हमें V मिलेगा वो 20 वोल्ट। ये हमारा पहले का आंसर हो गया, हमें 20 वोल्ट मिल गया है इसका। दूसरा देखो, 20 ओम प्रतिरोध की कोई स्तरी जो है यानी कि प्रेस 5 एम्पीयर धारा लेती है 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। देखो आर हमारा कितना है, 20 ओम है यानी कि प्रतिरोध हमारा 20 ओम है, ठीक है, आई जो है वो 5 एम्पीयर है, आई हमारा 5 एम्पीयर है, समय टी जो है 30 सेकंड है। अब हम डब्ल्यू या फिर एच कुछ भी निकालना, हमें ऊष्मा निकालना हीट, तो डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये फॉर्मूला है। डब्ल्यू बराबर हमारा आर की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कर दो, आर की वैल्यू 20 एंड टी की वैल्यू 30 है, ठीक है, अगर ये सेकंड में, अगर मिनट में दे रखा होता तो इसे सेकंड में चेंज करना होता, ठीक है, तो W बराबर 25 इंटू 20 इंटू 30, तो हमारा ये हो जाएगा, देखो 25 दुना 50, ठीक है, 50 नहीं यानी कि 150, और 150 में आप 2 जीरो लगा दो यानी कि 21 ढाई सैकड़ा हजार 10,000 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, तो ये जूल में आएगा आंसर। तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर, तो हमें यहां से मिल जाएंगे 4 नंबर, तो ये हमारा दोनों का हो गया, ठीक है। अब देखो हमें 6 नंबर के क्वेश्चन को ये एक सॉल्व करना, चाहे आप ये सॉल्व करो चाहे आप ये सॉल्व करो, इसमें हमें 3 क्वेश्चन का आंसर छोटे छोटे, इसमें 2 क्वेश्चन का, तो हम लोग एक इसको सॉल्व करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेप क्यों नहीं करती, पहले का आंसर 2 नंबर मिलेगा इसका। किसी चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना, यह भी 2 नंबर, बहुत आसान आसान है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल का मान अधिकतम होगा, बल जो है आरोपित होगा, तो ये 2 नंबर यानी कि 6 नंबर। चलो हम लोग देखते हैं इसका आंसर, फिर हमारा ये हो जाएगा वर्णात्मक प्रश्न उपखंड का खत्म, फिर हम लोग उपखंड खा में आ जाएंगे, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 4, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो प्रश्नोत्तर संख्या 4, और पहला हमारा दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेप क्यों नहीं करती, तो पहला देखो आंसर, चुंबकीय सुई जो होता है सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है, जो चुंबकीय सुई होता है सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करता है, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती तो क्षेत्र के किसी बिंदु पर विशेष पर एक द्युक सूची की दिशाओं को अंकित करेगा या फिर कोई कोण बनेगा, अगर कटेगा तो कोण बनेगा ही, जो असंभव है, असंभव है, ठीक है, यही कारण है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रच्छेद नहीं करती हैं। बस हो गया, 2 नंबर आपको मिल गया, बहुत आसान है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, तो मैं आपको 2-3-4 गुण बता देता हूं, देखो पहला, दूसरा हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, पहला ये बल रेखाएं बंद वक्र में होती हैं, मतलब बंद का मतलब होता है बिल्कुल ये क्लोज होती हैं, ठीक है, दूसरा है जहां पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट रहती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहां जो है चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी वहां जो है वो
जो बल होगा वो प्रबल होगा, दूर दूर होंगे तो प्रबल नहीं होगा बस। तीसरा पॉइंट देखो, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रच्छेद नहीं करती हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा। अब तीसरे का आंसर देखो माय डियर स्टूडेंट, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा। तो ये तीसरा का आंसर देखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे 6 नंबर आपको मिल जाएगा अगर ऐसे आप लिख दोगे, और इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के देखने को मिलेगा। आपको इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करना था तो मैंने ये वाला सॉल्व करा दिया, दूसरा खुद से कर सकते हो। उपखंड खामी आ जाओ, ये एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन है, 4 नंबर मिलेगा। पांचवा देखो, इसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कि इन सबको आपको संतुलित करना है। तो बहुत ज्यादा आसान है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार चिंक के साथ अभिक्रिया कराना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनता है, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फाइड हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये 4 क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो चलो हम लोग इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। देखो हमने चारों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से लिखा है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। उपखंड लिखा है, प्रश्न उत्तर संख्या 5 है। पहला देखो, पहला आप सबसे पहले पढ़ के लिख लेना कि लिखा हुआ है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया। तो ये हमारा क्या है, जिंक है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा, तो ये हमें बनेगा जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 और हमारा H2। ठीक है, नाम भी लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा वैलेंस है, मैंने ऑलरेडी वैलेंस कर रखा है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि Mg जो है मैग्नीशियम पट्टी, तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी कि 2HCl से अभिक्रिया करेगा, MgCl2 एंड H2 बनाएगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, S सॉलिड है, Aq यानी कि जलीय है, एंड G जो है वो गैस है। ठीक है, तो ऐसे वो प्रतीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनता है, तो नाइट्रोजन यानी कि N2 एंड हाइड्रोजन यानी कि T3H2। ठीक है, और हमारा 2NH3 यानी कि अमोनिया बन गया। ये गैस की अवस्था में है, ये गैस, ये भी गैस है। लास्ट है चौथा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तथा का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि 2H2S, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, 3O2 ऑक्सीजन है, जल से जल बनेगा यानी कि 2H2O, एंड हमारा सल्फर ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड 2SO2 गैस की अवस्था में। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन के 4 नंबर, और बहुत ज़्यादा आसान होते, कुछ होता नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। फिर 6वां क्वेश्चन है कि आपको निम्न की कारण लिखना है। 4 नंबर 1 का, प्लैटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। दूसरा है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो ये हमें मिल जाएगा 2-2 नंबर यानी कि 4 नंबर। तो चलो हम लोग इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहला है बच्चों कि प्रश्नोत्तर संख्या 6 देख लो, इसमें लिखा हुआ है कि जो प्लैटिनम है, सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। देखो, सोना Au, चांदी Ag एंड प्लैटिनम Pt का उपयोग हम आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं वायु आर्द्रता और अम्ल से जल्दी संक्षारित नहीं होती, मतलब जल्दी खत्म नहीं होती। अगर लोहे का बना दोगे तो वो बस 10 दिन में खत्म हो जाएंगी, वो संक्षारित हो जाती है। ठीक है, तो इसकी धात्विक चमक जो होता है लंबे समय तक बनी रहती है, साथ ही ये धातुएं सर्वोच्चतम आघात वर्धन और तन्य होती है, मतलब हम बहुत कम ही सोने में हम बहुत बड़ी बड़ी चीज बना सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा तन्य होती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण इनको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है, दूसरा निष्कर्षण प्रक्रम में जो हमारा है कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित। देखो, क्योंकि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइडों से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए निष्कर्षण जो होता है प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। बस 2-2 नंबर आपको मिल जाएगा, इसका 2 नंबर आपको मिल जाएगा और इसका भी आपको 2 नंबर यानी कि 4 नंबर मिल जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर का, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, और इसके आपको 2 लक्षण बताना है और इसका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपको करना है, 2-2 नंबर मिल जाएगा, या फिर और भी आपके पास ऑप्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ, अथवा आप इसको 2-2 नंबर मिल सकता है, विकृत गंधता, रेडॉक्स अभिक्रिया एंड एस्टरीकरण पर आपको टिप्पणी लिखना है, तो आप इस पर पा सकते हो 6 नंबर। तो चलो हम लोग, ये वाला आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आता है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 7। प्रश्नोत्तर संख्या 7 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे विकृत गंधता। विकृत गंधता देखो, जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसमें से एक विशेष गंध आने लगती है तथा उसका स्वाद भी खराब हो जाता है, इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आचार व मुरब्बे को खुले स्थान में रखना। ठीक है,
दूसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स में क्या है माय डियर स्टूडेंट, रेडॉक्स में लिखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो, जैसे CuO + H2 गिव्स आउट CuH2O। देखो यहां से CuO से हमारा O गायब हो गया, यानी कि इससे ह्रास हुआ, ठीक है, O जो है वो हट गया और H2 के साथ जुड़ गया, तो इसका मतलब अपचयन यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास, ठीक है। और यहाँ H2 के साथ हमारा ऑक्सीजन जुड़ गया यानी कि ऑक्सीकरण, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ हमें ऑक्सीजन का फायदा हुआ, वहाँ नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। लास्ट हमारा है इसमें एस्टरीकरण, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं एस्टरीकरण को। एस्टरीकरण देखो, जिस प्रकार अम्ल और क्षार अपारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनाती हैं, ठीक उसी प्रकार जो अम्ल है तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनता है, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोगों ने ये लिया है अम्ल, ठीक है, CH3COOH, और ये हमारा अल्कोहल है C2H5OH, ये अभिक्रिया करेगा तो CH3COOH2H5 तथा H2O बनेगा। नाम मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा अम्ल है, अम्ल अगर बताया जाए तो ये हमारा कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ये अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, बट मैं डायरेक्टली ऐसा लिखूंगा कि आपको समझ में आए, अल्कोहल, ये हमारा एस्टर बना है, एस्टर, और ये हमारा जल, एस्टर बना है इसलिए हम लोग इसको एस्टरीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर, ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 6 नंबर। अब हमारा लास्ट उपखंड गा आता है जो कि बायोलॉजी से रहेगा। तो सबसे पहला देखो 8वां क्वेश्चन, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय या फिर गैर जैव निम्नीकरणीय के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण भी लिखिए। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा उपखंड गा है नए पृष्ठ में और प्रश्नोत्तर संख्या 8 है, ठीक है, 8 ही तो है, हाँ देखो 8 है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जैव निम्नीकरणीय। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो होते हैं वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन होता है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में नहीं रहते तथा हानि भी नहीं पहुंचाते, जैसे घरेलू कचरा है, रुई है, कृषि है द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, ये सब बहुत कम ही समय में खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो गैर निम्नीकरणीय होते हैं वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता गैर निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। यह लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल है, पॉलिथीन है, कांच है, ये सब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये हो गया हमारा गैर जो होता है, एक गैर निम्नीकरणीय, एक जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, दोनों समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, ये आपको अपनी कॉपी में बनाना रहता है, ठीक है, बनाना पड़ेगा क्योंकि भाई हम लोग तो डायरेक्टली हम आंसर बता रहे हैं। निम्न का चित्र अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा दीजिए। देखो जो हमारा ये फिगर बना हुआ है, ये जो है ये ए वाला, ये है पीनियल ग्रंथि, एक एक नंबर मिलेगा, बहुत ज़्यादा आसान है। और ये जो है ये हमारा वी वाला जो है प्यूटिटरी ग्रंथि, ठीक है, ये वाला जो है ये है थायराइड ग्रंथि, और ये जो है ये नीचे वाला है थाइमस ग्रंथि है, चारों हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है। 4 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा आसान हमें लगा और आप लोगों को भी ज़रूर लगा होगा, क्योंकि भाई आसान है तो आसान मैंने कहा है। देखो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमारा हो गया ना 4 नंबर, 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। इसकी व्याख्या इस तथ्य पे निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्मन नहीं होते हैं, 22 जोड़ी तो होता है, ठीक है, मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं, इनकी संख्या 22 जोड़ी होते हैं, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं एंड, लेकिन नर में जो जोड़ा होता है वो परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें गुणसूत्र जो है सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा हमारा वाई गुणसूत्र होता है। अतः जो स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होता है, क्या अब हम एक्स और वाई वंशानुगत पैटर्न पर बता सकते हैं? पहला आपको बताना है कि लिंग गुणसूत्र जो होता है, लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? तो देखो हम लोग समझेंगे अभी फिगर के साथ, सबसे पहले पहला वाला समझो। तब 10 नंबर क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण वंशानुगत संभव है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि मनुष्य के सभी गुणसूत्र पूरी तरह से युग्म नहीं होते। मनुष्य में अधिकांश गुणसूत्र माता तथा पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं, और मानव में जो लिंग निर्धारण होता है आनुवांशिक आधार पर होता है, अर्थात जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इसके उत्तरदायी होते हैं, संतति लड़का होगा या लड़की। अभी मैं आपको फिगर के साथ समझाता हूं। दूसरा जो है, मानव में जो बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मतलब लिंग निर्धारण को समझाना है। देखो
लिंग निर्धारण दूसरा पिता है या फिर जैसे हम नर कहते हैं मादा, यानी कि माता। यहाँ एक्स वाई है हमारे मतलब नर में, एक्स एक्स है माता यानी कि मादा में। देखो यहाँ क्या हुआ, अलग हो गया पृथक्करण के लॉ से मेंडल की, तो यहाँ एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया, एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया। एक बार एक्स का संकरण एक्स से कराया गया, एक्स एक्स मिला यानी कि मादा मिला, फिर एक्स का हम लोग एक्स से वाई से कराए, यानी कि पहले देखो हमारा एक्स का एक्स से हुआ, फिर ये हमारा वाई का एक्स से हुआ तो एक्स वाई हो गया, फिर एक्स का हमने एक्स से कराया एक्स एक्स, फिर वाई का एक्स से तो एक्स वाई, यानी कि मादा नर, यानी कि हमें 50% चांस होता है कि लड़का होगा और 85% हमारा चांस होता है कि मादा होगा या नर होगा। तो हम ये नहीं बता सकते कि भैया 100% लड़की होगी या लड़का होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके आधार पर कुछ समझ लेते हैं। देखो जैसा मैंने चित्र में समझाया था, चित्र में प्रदर्शित सामान्यता आधा जो होता है लड़के तथा आधा लड़की होने का चांस होता है, ठीक है। एंड जिस बच्चे को अपने माता सॉरी पिता से यानी कि नर से एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ है वह लड़की, तथा पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो वह लड़का होगा। अगर एक्स मिला तो ऑलरेडी जो फीमेल में वो एक्स गुणसूत्र होता है वो एक्स एक्स होकर लड़की हो जाएगा। अगर जो पिता से वाई गुणसूत्र मिला तो लड़के जो लड़की होती है या फिर मादा होता है, माता होता है उसमें वाई होता है तो वो मिलके सॉरी एक्स होता है तो एक्स वाई होकर लड़की सॉरी लड़का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा पूरा, कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा आसान है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन है 11, लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर देकर जाएगा। मानव आहार नाल का आरेख बनाइए तथा उसमें जो भागों का निम्नांकित वर्णन कीजिए, मुख, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत सबका वर्णन करेंगे, तो दोनों में से कोई एक करना है। तो हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानव का करते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे पाचन होता क्या है। तो संयुक्त अघुलनशील भोज्य कणों का सरल घुलनशील व अवशोषण योग्य परिवर्तित होना ही पाचन कहलाता है। फिगर समझो, बहुत ज्यादा अच्छा फिगर है, ऐसे बना दोगे फुल नंबर मिलेगा। सबसे पहले देखो इसका मुख है और मुख के अंदर जीव है, ठीक है। फिर ये ग्रसनी है, ये पित्ताशय है, ये अमाशय है, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, नीचे गुदा द्वार है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिगर। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग एक एक का डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से भाग को। देखो भाग है सबसे पहले मुख या फिर मुख गुहा, मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, मुख में लार नामक ग्रंथि पाया जाता है जिसमें निगलने वाली लार भोजन को निगलने में सहायता करता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो शर्करा में बदल जाता है। ग्रासिका समझो, निगल द्वार से भोजन ग्रासिका में जाता है, इसमें भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है, एक लाइन एक पाइप की तरह होता है। ग्रस नली में भोजन अमाशय में पहुंच जाता है, अमाशय में भोजन आता है जिसमें जठर नामक ग्रंथि पाया जाता है। जठर नामक ग्रंथि से जठर नामक रस निकलता है, जठर रस में HCl पेप्सिन रेनिन पाया जाता है। HCl जो होता है वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और पेप्सिन प्रोटीन्स तथा प्रोटीन्स पर क्रियाशील होता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स तथा पेप्टाइन्स में बदल देता है। रेनिन दूध को फाड़कर उसमें से घुलनशील जो मतलब कैसीन को अलग करता है, ठीक है। तो ये हो गया, दो और पार्ट्स देख लो, छोटी आंत बड़ी आंत। तो छोटी आंत जो होता है वो अमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है और ग्रहणी से क्षुद्रांग में आता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है तथा अवशेष जल तथा भोजन ही बचता है जो बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत यह लगभग आहार नली का अंतिम भाग है, यह लगभग 1.5 मीटर लंबा तथा 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा लंबी नली होती है। इस भाग में पचे हुए शेष भोजन तथा जल का अवशोषण होता है और अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया हमारे पूरे वायरल पेपर का सॉल्यूशन साइंस के। बस ऐसे ही आपका पेपर आएगा, ये पूरा तैयार कर लो, 29 फरवरी को जब आप साइंस का पेपर देने जाओगे ना तो देखना यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन भी समझा दिया है, अब आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखें तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी मिल जाए और वो भी पढ़ सकें। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करना। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।